सावन का महीना पूजा पाठ के साथ ही उपाय और टोटके के लिए भी बहुत मायने रखता है। सावन का पूरा महीना धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं अथवा आपको कोई विशेष मनोकामना है तो आपको सावन मास में इसे पूरा करने के प्रयास जरूर करने चाहिए। सावन में लाल किताब के उपाय बहुत ही चमत्कारिक ढंग से असर दिखाते हैं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही और बार बार आप असफल हो रहे हैं तो लाल किताब के कुछ बेहद असरदार उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए। सावन में ये उपाय बहुत तेजी से काम करते हैं। इन उपायों को करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आपके काम बन नहीं रहे अथवा आपकी आमदनी के साधन खत्म हो रहे हैं तो आपको सावन के किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और राहु केतु ग्रह के बुरे असर भी खत्म होते हैं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या आपके ऊपर परेशानियों का साया हमेशा बना रहता है तो आपको सावन में बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। बैल नंदी का रूप होते हैं, इसलिए शिवजी भी इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। यदि घर में धन की कमी रहती है तो सावन में गरीब और निसहाय लोगों की जितनी मदद आपसे हो सके करना चाहिए। धन संकट को दूर करने के लिए शमी के पेड़ की जड़ को लेकर शिवजी को चढ़ाएं और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख दें। इससे आपके धन का संकट दूर होगा। यदि आपका कोई काम बार बार असफल हो रहा है तो आपको सावन में सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर पवित्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके कार्य पर आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपकी शादी में कोई अड़चन आ रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी।